न्यूज 18 पर दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टियां हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं, वो मुझसे संपर्क कर पार्टी में शामिल होने के लिए कह रहे थे। उन्होंने बिना नाम लिए ही कांग्रेस और साथी सोनिया गांधी की ओर इशारा किया है। सवाल अब विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है करण को टिकट मिलने के बाद कि जिस परिवारवाद का बीजेपी विरोध किया करती थी, आज उसी रास्ते पर आगे बढ़ चली है। ब्रजभूषण जी, उनकी पत्नी प्रतीक, करण, तो फिर इसका क्या जवाब? देखिए, करण कोई ऐसा तो है नहीं गैर राजनीतिक परिवार से है, और या वो योग्य नहीं है, और इसका परीक्षण तो क्षेत्र की जनता करेगी, लोगों को करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब जिसको जिस रूप में लेना हो वो लेगा। रहा सवाल परिवारवाद का, तो हमने एक दिन मोदी जी का बयान सुना था, वो बोल रहे थे कि अपने काबिलियत से अगर कोई आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई नई जगह तो उनको मिली नहीं है, हम उस पद पर थे, और शायद ये पहली लोकसभा है कि हमारे विकल्प के तौर पर कोई एप्लीकेशन ही नहीं गई। अच्छा। हाँ, और बिना नाम लिए बताना चाहता हूं कि आज जो पार्टियां हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं, इन्हीं पार्टियों ने इसी बीच मुझसे संपर्क किया कि आप मेरी पार्टी से आ जाओ। विपक्ष के लोगों ने? मैं बड़ी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी। हाँ, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कहे नहीं, मैडम का मानना है कि जिधर जाएंगे उधर पार्टी खड़ी हो जाएगी। मैडम मतलब सोनिया जी? तो हमने कहा कि क्या आप सब उत्पीड़न हो रही है, सर इसका क्या होगा? हाँ। कहे छोड़िए, आप आइए। तो अच्छा, फिर हमने मना कर दिया कि सारे आरोप भूल जाएंगे, आपका स्वागत। हाँ, स्वागत है, स्वागत करने लिए बैठे थे। मैडम से मतलब आप प्रियंका या सोनिया की बात? अब उसी में से किसी को लगा लीजिए।